लोकसभा चुनाव के लिए सतना संसदीय सीट पर दूसरे चरण में यानी 26 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। चुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया चल रही है और 4 अप्रैल तक नाम निर्देशन पत्र दाखिल किए जाएंगे। लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा, कांग्रेस और बसपा ने अपने अपने उम्मीदवार के नामों की घोषणा भी कर दी है। प्रत्याशी भी अपना चुनाव प्रचार शुरू कर चुके हैं। चुनाव को लेकर राजनीतिक दल अपने अपने हिसाब से मोहरे भी फिट करने में जुट गए हैं। वहीं आम जनमानस भी किसे और क्यों वोट देगा, इसकी कसौटी पर जनप्रतिनिधियों को परखने के काम में जुट गए हैं। भाजपा, कांग्रेस और बसपा जैसी प्रमुख राजनीतिक पार्टियों के साथ साथ निर्दलियों के अलावा आजकल चुनावी समर में सबसे ज्यादा चर्चा यदि किसी की होती है तो वह है नोटा। इनमें से कोई नहीं कि विकल्प के परिणामों व उसके चुनावों पर असर की बात करें तो जिले के पिछले 2 लोकसभा चुनाव में इसका बड़ा व्यापक असर देखने को मिला है। 2014 के लोकसभा चुनाव में तो नोटा को मिले मतों से भाजपा और कांग्रेस के प्रत्याशियों के जीत हार की गणित ही उलट पलट हो गई थी। 2014 के लोकसभा चुनाव में भाजपा और कांग्रेस के उम्मीदवारों के बीच हार जीत में निर्णायक भूमिका नोटा की ही रही थी। भाजपा और कांग्रेस के उम्मीदवारों में हार जीत का अंतर 8,688 वोट का रहा तो नोटा को उससे ज्यादा यानी कि 13,036 वोट मिले थे। यही हाल 2018 के विधानसभा चुनाव के दौरान नागौद विधानसभा सीट में भी देखने को मिला था। यहां भी भाजपा और कांग्रेस के बीच हार जीत के अंतर से ज्यादा वोट नोटा को मिले थे। 2014 के लोकसभा चुनाव में नोटा का असर किस कदर था, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि कोई नहीं के विकल्प को जिले के 13,036 लोगों ने चुना था। उस चुनाव में भाजपा, कांग्रेस और नोटा सहित कुल 15 विकल्प जिलेवासियों के पास मौजूद थे, जिनमें से भाजपा, कांग्रेस और बसपा के बाद लोगों ने चौथे नंबर पर नोटा को ही चुना था। नोटा को आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार से भी ज्यादा वोट मिले थे। आपके उम्मीदवार रहे जगदीश सिंह को तब 7,985 वोट मिले थे, जबकि नोटा को विकल्प के तौर पर 13,036 लोगों ने चुना था। हालांकि 2019 के लोकसभा चुनाव में नोटा के प्रति लोगों का झुकाव काफी कम रहा। अब देखना यह होगा कि 2024 के रण में नोटा पर कितने लोग भरोसा व्यक्त करते हैं।